खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। गुमला में कोरोना भगाओ स्वस्थ भारत समृद्ध भारत नारे के साथ गुमला पुलिस लाइन में योगा शिविर का आयोजन किया गया। योगा शिविर में पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित शिविर में गुमला पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर प्रणब कुमार के नेतृत्व में योगा शिविर आयोजन किया गया। योगा शिविर में उत्तर प्रदेश से आए आचार्यों द्वारा योगा के महत्व के बारे में बताया गया। साथ में वैश्विक महामारी में योगा के महत्व के बारे में योगाचार्य ने विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि अपने स्टैमिना शक्ति बढ़ाने से ही वैश्विक महामारी के खतरे से बचा जा सकता है। भारत में प्राचीन काल से योग का महत्व काफी रहा है। इसका अनुसरण भारत के अलावा अब विदेशों में भी बड़ी मात्रा में योगा शिविर में लोग भाग रहे हैं एवं योग से निरोग भी हो रहे हैं। अतः पुलिस जवान जिस प्रकार इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, इसमें बहुत जरूरी है। योग करने से मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक का विकास होता है। इस अवसर पर पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारियों और जवान उपस्थित हुए। गुमला के पुलिस ने संकल्प लिया कि योग कर निरोग रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और काफी इनका अच्छा प्रशिक्षण हम लोग के लिए रहा है और ये यूपी से आए हुए हैं और इनका जहाँ तक बैकग्राउंड इनके बारे में पता चला है, ये पहले इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उसके बाद फिर एयरफोर्स का जॉब छोड़ के आध्यात्मिक तरफ जुड़े और उसके बाद फिर आज हम लोग को पे बीच हैं और आज हम लोग एक सप्ताह से इनके साथ हैं और हम लोग जो योगाभ्यास कर रहे हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आज हम लोग शुरू किए हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो कोई बीपी का पेशेंट है, कोई हृदय रोग से पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कुछ भी है, लेकिन जैसे एक सप्ताह से हम लोग कर रहे हैं तो इसको काफ़ी अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अपने आप में एक अच्छा बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो इनके जाने के बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें और इस चीज़ को हम लोग जो अभी तक सीखे उसको आत्मसात करें। 1987 में हमने, तो इसलिए जितने भी जैसे आजकल सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ग्रो कर गई है, बढ़ गई है, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, यह अगर तीनों क्षेत्र में आदमी अगर कहा जाएगा कि निरोग और स्वस्थ रहेगा, इस तरह के विचार कभी आएंगे ही नहीं भाई। और दूसरे लोग जो भी हताशा निराशा से दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन से परेशान हैं, उनको एक जीवन जीने का एक सहारा बनेंगे और ऊर्जा का स्रोत बनेंगे, इससे ये सब सारी चीजें फायदा है। शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि अब कोरोना महामारी जो आई है, इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ये योगासन करने से। आप रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी बढ़ती है तो कभी भी कोरोना आपके करीब में नहीं आएगा।